हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकिताज किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए एकदम कड़कड़ाती ठंड में बढ़िया सी दाल मखनी। बहुत ही डिलीशियस लगती है ये, और हम जब भी खाना खाने बाहर जाते हैं तो दाल मखनी ज़रूर से ऑर्डर करते हैं। मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊँगी दाल मखनी की रेसिपी। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बार बार इन्जॉय करेंगे। तो ये लिए हैं मैंने काले उड़द की दाल और राजमा। एक कटोरी दाल थी काले उड़द की, साबुत दाल लेंगे। रात भर इसको पानी में अच्छे से फुला लेंगे धोकर, और फिर हम इसे कुकर में बॉयल करेंगे। अच्छे से फूल गई है हमारी दाल, साइज़ में डबल हो गई है। अब इसे हम डाल देते हैं एक प्रेशर कुकर में, और साथ में डाल देते हैं एक ग्लास पानी। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस दाल अच्छे से बॉयल हो जाए इतना पानी चाहिए। और साथ में हम डालेंगे दाल बॉयल करते समय ये साबुत मसाले, ये बहुत ज़रूर हैं। बड़ी इलायची इसको फोड़ कर डालें, काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी हमारी दाल में। थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च, दो छोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और दो तेज़पत्ता, और एक चम्मच डाल देंगे हम नमक। इससे दाल बहुत जल्दी आसानी से गल जाती है। साबुत मसाले हम इस टाइम इसलिए डाल रहे हैं कि हमारी दाल में इन साबुत मसालों का एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए, बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। हम चार सीटी आने तक पका लेंगे दाल को, फिर बंद करेंगे। और तब तक हम मैं सब्जियां ये काट के तैयार कर लेती हूँ जो दाल के तड़के के लिए हमें चाहिए। दो प्याज, दो टमाटर, लहसुन अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये मैंने चॉप करके रखा है, आप देख रहे हैं। अदरक और ये हरी मिर्च को काटा हुआ है लहसुन को, और प्याज और टमाटर को हमने ग्रेट किया हुआ है। तो चलिए, चार सीटी आ गई हैं, देख लेते हैं हम अपनी दाल को अच्छे से बॉईल हो गई है कि नहीं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, देखिए दाल कितना बढ़िया एकदम फूल गई है, बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है। ये देखिए मैश हो रही है बिल्कुल। इस तरीके से हमें दाल चाहिए, एकदम सॉफ्ट हो जाए, बहुत अच्छे से पक जाए। तो चलिए स्टार्ट करते इसके तड़के की तैयारी। इसमें हम डालेंगे देसी घी। देसी घी से बनाएंगे दाल, बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आता है इसका देसी घी के साथ। तो ये देखिए देसी घी डाल दिया हमने, गरम हो गया। अब इसमें डालेंगे हल्का सा हींग और जीरा। हींग बहुत मस्त है, ज़रूर से डालें। बाकी साबुत मसाले हम डाल चुके हैं। अब लहसुन और अदरक डाल के इसको भूनेंगे, साथ में डाल देंगे हरी मिर्च। अब लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। फिर हम डालेंगे इसमें अपने अनियन, जो अनियन को हमने ग्रेट करके रखा था। अब अच्छे से डाल देंगे इसको और रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, इसका कलर चेंज हो जाए पिंकिश। ये देखिए काफ़ी अच्छे से अनियन हमारी रोस्ट हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी टोमेटो प्यूरी और इसको दो मिनट तक चलाएंगे। फिर इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। जब तक टोमेटो उसको मैं रोस्ट कर रही हूँ, तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से जाइए रेड बटन पर क्लिक करिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। चलिए डाल देते हैं इसमें एक चम्मच नमक। एक चम्मच याद रखें, हमने पहले भी डाला है, तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है हमें। और यहाँ डाल देंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। अब हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया कलर और फ्लेवर आता है, तो ये ज़रूर से डालें इसमें एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इसको अब मसालों को हम टोमेटो प्यूरी के साथ भूनेंगे। जब तक हमें ये रोस्ट करना है, तब तक दोस्तों ये ऑयल सेपरेट ना होने लगे कढ़ाई से, और प्यूरी बहुत अच्छे से हमारी भुन ना जाए। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से भुनने लगी है, और घी भी हमारा सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे थोड़े से हरे धनिए कि इसमें भी खुशबू आ जाए हरे धनिए की, जो टोमेटो प्यूरी है हमारी। अब हम डालेंगे, गैस कर लेंगे स्लो, लो गैस पे हम डालेंगे मलाई। ये है हमारी क्रीम, फुल क्रीम लेनी है हमें। आप अमूल की ले सकते हैं, मैं ये डेली जो दूध के ऊपर मलाई पड़ती है उसको आप फैट के इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। इस तरीके से हमें लो फ्लेम पर इसको चलाना है मलाई डाल के। चार चम्मच मलाई डाल दिया मैंने, सफिशियंट है। अगर थोड़ी सी आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा ऐड करें। जितनी ये मलाई इसमें डलेगी, क्रीम डलेगी, उतना ही इसका क्रीमी और एकदम बटरी टेस्ट आता है। तो ये देखिए मलाई डाल के भी हमने इसको क्रीम डाल के अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम दाल ऐड कर देते हैं अपनी, जो हमने अभी बॉईल की हुई थी, सारी दाल इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे और मसाले के साथ टोमेटो प्यूरी के साथ मिलाते जाएंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसको टोमेटो प्यूरी के साथ मिला लेंगे, फिर हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। जब इसकी कंसिस्टेंसी, अभी मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है ये देखिए, तो इसमें हम जो भी पानी ऐड करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, वो पानी बॉयल किया हुआ होना चाहिए। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी है हमारी, मैंने अच्छे से प्यूरी के साथ दाल को मिला लिया है, तो थोड़ी सी ये गाढ़ी है। इसमें हम पानी डाल देते हैं, ये पानी हम जो डाल रहे हैं वो बॉयल्ड वाटर होना चाहिए, हम कच्चा पानी नहीं डालेंगे वरना दाल में वो टेस्ट नहीं आता। हमें पानी उबाल के रख लेना है, वो पानी हमें यहाँ पर डालना है इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है,
ये देखिए, फिर थोड़ा सा इसको चलाएंगे। अब इसे हम ढककर पकने देंगे। अच्छे से दाल मसालों के साथ मिल जाएगी और बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी जब तक लो फ्लेम पर हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे दाल को एक साथ मसालों के साथ, टोमेटो प्यूरी के साथ। देख लेते हैं, 5 मिनट हो गए, बढ़िया सी दाल बनकर रेडी है हमारी। ये देखिए, एकदम अच्छे से ये पक गई है, मसालों की खूब खुशबू आ गई है, पूरे घर में खुशबू फैलने लगी है। बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आया इसका। ये देखिए, कंसिस्टेंसी भी एकदम रेस्टोरेंट जैसी आई है। तो बस ये दाल हमारी आसानी से पक गई है। अब लास्ट स्टेप है, इसमें हम डालेंगे अपना 1 चम्मच गरम मसाला जो हमने अभी तक नहीं डाला था, और थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी खुशबू के लिए, बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है। हरा धनिया थोड़ा सा डाल देंगे ऊपर से और चला देंगे इन सब चीज़ों को, और थोड़ा सा ग्रेट करेंगे इसे में बटर। दाल मखनी है तो बटर तो बनता ही है, तो लास्ट में हम इसमें ग्रेट कर देंगे बटर और इसको चला देंगे। ये देखिए, बटरी दाल मखनी बनकर तैयार है हमारी। वाओ, एकदम डिलीशियस सा टेस्ट आ रहा है इसका, एकदम देखते ही माउथ वाटरिंग सी लग रही है ये। ये देखिए, मैंने इसको बटर डाल के 2 मिनट चला दिया। अब कर देंगे गैस बंद। अब इसको करेंगे हम प्लेट आउट और तड़के की तैयारी फटाफट से, कि इसके ऊपर हमें एक तड़का और लगाना है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। हमने निकाल लिया अपनी दाल, प्लेट आउट कर लेते हैं इसको। अब हम सर्व करेंगे इसको तड़का लगा के, बहुत ही डिलीशियस लगने वाली है ये दोस्तों। जल्दी से वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से लाइक करिए, तब तक हम अपने तड़के की तैयारी करते हैं। ये देखिए, तड़का पैन में हम छोटा सा बटर का पीस डालेंगे, बहुत लो फ्लेम पर ही डालना है हमें, एकदम से ये जल ना जाए हमारा बटर। याद रखना है फ्लेम एकदम लो, आप देख रहे हैं बहुत हल्की फ्लेम में, बस बटर मेल्ट होना चाहिए। उसमें डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल दी। अब इसको चला के बस हमें अपने दाल के ऊपर तड़का लगाना है, इससे एकदम बढ़िया सा कलर आएगा रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही एरोमा आएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आने वाली है। ये देखिए, मैं इसके ऊपर इसको डाल देती हूँ और 1 चम्मच से इसको मिला देंगे फटाफट से। ये देखिए, रेडी हमारी दाल, आ रहा है ना आपके मुँह में पानी। आज ही बनाइए और इसको नान के साथ, रोटी के साथ और चावल के साथ सर्व करिए, इंजॉय करिए अपने घर में। और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। मैं लेकर आऊँगी आपके लिए इसी टाइप की नई लेटेस्ट रेसिपीज़। अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो फटाफट से बेल आइकन दबाइए। ये देखिए, इसको ऊपर से क्रीम से हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। अब लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये लीजिए, मैंने धनिया की पत्ती से इसको और भी डेकोरेट कर दिया है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। आप मुझे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।